आज की जिंदगी में मोबाइल मनुष्य के लिए सबसे अहम जरूरत बन गया है। बिजनेस से लेकर दुकानदारी और हर काम मोबाइल के द्वारा किया जा रहा है। मनुष्य के मोबाइल प्रेम को देखते हुए तोते भी इस मोबाइल के प्रेम से अछूते नहीं हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोको की। कोको एक तोते का नाम है। बेगमगंज के SBI कॉलोनी निवासी शरद शर्मा के बेटे ऋषि शर्मा ने इस तोते को पाला है और आज मोबाइल इस तोते की जिंदगी बन गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं खबर जरा हटके में स्पेशल रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि ऋषि शर्मा द्वारा पाले गए इस तोते को मोबाइल से इतना प्रेम है कि वह इसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता है और इस तोते को हर आधे घंटे में मोबाइल देखने की आदत पड़ गई है और अगर इसको मोबाइल नहीं दो तो यह दिन भर चिल्लाता रहता है। इस तोते की खासियत यह है कि यह तोता पिंजरे में नहीं रहता और घर में खुले रूप से इधर उधर घूमता रहता है और घर में ही पले हुए जर्मन शेफर्ड नामक कुत्ते से भी इसकी गहरी दोस्ती है और दोनों साथ मिलकर दिन भर मस्ती करते रहते हैं। परिवार के सदस्य इस तोते को मोबाइल पर कुछ वीडियो दिखाते रहते हैं। वहीं इस तोते की खासियत यह है कि अगर आप एक हाथ में मोबाइल लें और दूसरे हाथ पर तोते को बिठा लें तो यह उड़ता हुआ मोबाइल के ऊपर ही जाएगा और अगर आप इस कोको नामक तोते से मोबाइल अगर दूर खींचते जाते हैं तो उसका पीछा करता हुआ धीरे धीरे मोबाइल के पास आता है और उड़कर मोबाइल पर बैठ जाता है। वहीं इसको पालने वाले ऋषि शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले ही इस तोते को मोबाइल से प्रेम हुआ है और उसके बाद यह स्थिति है कि जब तक इस तोते को मोबाइल ना दे दिया जाए तब तक यह तोता चिल्लाता रहता है और अगर इसको मोबाइल दे दो तो यह टकटकी लगाकर मोबाइल देखता है और बहुत खुश होता है। क्या नाम है आपका? ऋषि शर्मा। ऋषि, आपके इस तोते की क्या खासियत है? कि यार कोई भी सदस्य घर में मोबाइल चलाए फिल्म देखेगा तो वो उसके ऊपर आके बैठ जाएगा क्योंकि ये मोबाइल से प्रेम करता है और अगर हम स्कूल से आते हैं मोबाइल लेकर थोड़ा गेम खेलते हैं तो ये उसके ऊपर आके बैठ के हमारे साथ गेम खेलता है और सोता नहीं, ये पिंजड़े पिंजड़े में नहीं रहता, ये सिर्फ हम सोते हैं तो हमारे साथ आके सो जाता है। ये आपके साथ पलंग पे सोता है? हाँ। अच्छा, और ये अगर इसको मोबाइल नहीं दो तो ये पीछे पीछे आता है? मोबाइल पीछे पीछे जहाँ मोबाइल रखा है वहीं चले जाएगा।